जन भोजन में अंडा शामिल करने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी और सामाजिक जंग जारी है। इसी बीच अंडे के विरोध को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार किसी को भी अंडा खाने को लेकर बाध्य नहीं कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री से खास बातचीत के स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। अंडे को लेकर सदन से सड़क तक विरोध जारी है, इस बीच सरकार क्या फैसला करती है, इससे चर्चा के लिए हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री साय जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, अंडे को लेकर चौतरफा विरोध जारी है, लेकिन फैसला कुपोषण को दूर करने के लिए है, क्या कहेंगे? मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण को दूर करना है और उसके लिए सभी जगह दूध भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं, आपका सेव फल भी दे रहे हैं, तो सभी जगह तो दे रहे हैं। मतलब कुपोषण दूर करने के लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रहे हैं। उसमें चूंकि अब अंडा चूंकि सस्ता है, अंडा भी उसमें ऐड किया गया है, और अंडा को मतलब कैसे देंगे ये इसका सारी प्रक्रिया का वहाँ के पालक और इसका प्रबंधन करेगा। ये जो अंडे का फैसला उसको धर्म संप्रदाय से जोड़ा जा रहा है, इसको लेकर धरना प्रदर्शन रोड ब्लॉक करना जारी है, जैसे कबीरपंथी के लोग कल रात से लोग धरना प्रदर्शन पे थे, रोड ब्लॉक किए। कबीरपंथी के शिरोमणि आदरणीय प्रकाश मुनि जी से मुख्यमंत्री जी की और सबकी चर्चा हुई है और सबकी सहमति से उनकी भावनाओं को रखा गया है, इसलिए हम लोग ने उनकी भावनाओं को रखते हुए हम लोग ने वहाँ पालक और स्कूल प्रबंधन को उसमें कहा भी कि किसको लोग अंडा खा सकते हैं, वो लोग नहीं खाएंगे, जो नहीं खाएंगे तो वो लोग वो तय करेंगे कि यहाँ देना है कि घर में देना है। सर, ये अंडा को देने के लिए किस तरह का आधार रहेगा, क्या स्कूलों में दिया जाएगा या कुपोषित बच्चों को उनके घर में दिया जाएगा? ये पूरी व्यवस्था वो लोग करेंगे, आपका स्कूल प्रबंधन करेंगे और समिति करेंगे जी। देखिए, शिक्षा विभाग का फैसला है, आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं तो क्या प्रदेश की जनता, प्रदेश के जो बालक बालिकाएं हैं वो कुपोषण से ग्रसित हैं, उनका कुपोषण दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये है। और हमने किसी को जबरदस्ती को कोई बात कही नहीं, हमने दूध भी दे रहे हैं, हम फल भी दे रहे हैं, बाकी जो जो दूसरे न्यूट्रिशन हो वो भी दे रहे हैं, तो इसलिए चर्चा होनी चाहिए कि सारा दिया जा रहा है और कुपोषण दूर होना चाहिए उसमें। क्या कोई सर्वे हुआ था कितने परसेंट बच्चे कुपोषित हैं या इसको किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, अंडा कहाँ से आएगा? क्या चीज मैं सुन नहीं पाया, कितने प्रतिशत बच्चे प्रदेश में कुपोषित हैं? लगभग 45% कुपोषित है जी। और ये जो अंडा की व्यवस्था है प्रदेश से कैसे की जाएगी, कहीं एक जगह से उसका होगा या स्थानीय लेवल से खरीदी होगी? वो सभी स्थानीय लेवल से होगा, स्थानीय लेवल से करेंगे जी। तो अभी आपने सुना शिक्षा मंत्री जी को, जिनका साफ कहना है कि ये अंडा जो है कितना भी विरोध हो बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए फैसला लिया गया है जो आगे चल के देश के भविष्य के लिए कारगर साबित होगा। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।